तो ये हमारे डिस्कशन का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम लोग कुछ आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के बारे में जो हमारी कंट्री में फॉलो किया जा रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी हमारी कंट्री में लॉ बनाए गए थे उनको चेंज कर कर हम लोग नए रूल और रेगुलेशन लेकर आएंगे जो मॉडर्न दुनिया के हिसाब से होंगे, यानी कि हमारी कंट्री जो एक तरीके से मॉडर्न एरा में चल रही है उसके हिसाब से होंगे, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। पर लेकिन राइटर जो है इस प्रोसीजर से खुश नहीं है। उनके द्वारा ये बात बोली जा रही है कि ये जो लॉ हम लोग चेंज कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही चेंज कर रहे हैं जिस तरीके से कॉलोनियल टाइम में काम को किया जाता था, यानी कि डी कॉलोनाइज किया जा रहा है चीज़ों को कॉलोनियल तरीके से, यानी कि उन्हीं की चीज़ों को हटा रहे हैं, उन्हीं के तरीके से हटा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अगर पुराने टाइम में कोई भी लॉ बनाया जाता था, कोई रूल और रेगुलेशन लाया जाता था तो वे लोगों से नहीं पूछा करते थे और कोई भी रूल और रेगुलेशन लाकर रख देते थे बस अपने फायदे के लिए। आज के टाइम में भी गवर्नमेंट ऐसा ही काम कर रही है, जो रूल और रेगुलेशन हटाए जा रहे हैं उनको जनता के बारे में न सोचकर अपने फायदे के हिसाब से चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का, उसको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है जब इसका एनालिसिस किया जा रहा है क्या सही है और क्या गलत है, बस अपने हिसाब से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। तो क्या ये प्रोसीजर सही है? ये तो बिल्कुल वही आ गया कि जो एक तरीके से जो अंग्रेज जो काम कर रहे थे उसी तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें और अंग्रेजों में फर्क क्या हो गया आप में और अंग्रेजों में इस तरीके से रूल और रेगुलेशन बनाने में? तो समझते हैं क्या क्या बातें बोली जा रही है एक एक कर। हमारी कंट्री में अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें होती है, किसी का मर्डर होता है, रेप होता है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन है। तो इन रूल और रेगुलेशन को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नाम से आप लोग जानते हैं कि हाँ जो क्रिमिनल ने जो भी यहाँ पर एक्टिविटी की है अब लोगों को उससे रिलेटेड जस्टिस मिलना चाहिए कि हाँ जो एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। तो कमिटी एक बनाई जा रही है जो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर रिफॉर्म लेकर आएगी। तो ये जो रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाए जाएंगे ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें कंसल्टेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो पर लेकिन हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर कंसल्टेशन जो प्रोजेक्ट तरीके से कंसल्टेशन का जो प्रोसीजर है उसको साइड में कर दिया है। तो इन जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई और उसको बोला गया कि क्रिमिनल जो लॉज हैं हमारी कंट्री में उनमें रिफॉर्म लेकर आना है, रन यानी कि कॉलोनियल जो फाउंडेशन है हमारी कंट्री में ओवर क्रिमिनल लॉज का उसको चेंज करना है। क्या मतलब है इसका? कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी हमारी कंट्री में लॉ बनाए गए हैं उनको चेंज करेंगे और अपने हिसाब से हम लोग उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो कमिटी है यहाँ पर ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं, इसका एक तरीके से मैंडेट रखा गया है, अभी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही चल रही हैं। जैसे बोलते हैं कमेटी बना तो जाती है पर पब्लिक में नहीं लेकर आते हैं। कमेटी का एम क्या है? बेसिकली ये काया पलट करेगी इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, स्मूथली फंक्शन करने की कोशिश की जा रही है कि लीगल सिस्टम जो है जो भी उसमें प्रॉब्लम थी उसको इजीली फंक्शन किया जाएगा और एक तरीके से फुल सिटीजन इन डेमोक्रेटिक एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो पॉलिटी के अंदर ऑथेंटिक जो चीज़ें होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। तो एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर आप लोग इसको देखेंगे समझेंगे तो देखिए जो भी वॉयलेंस होते हैं, जो जिस तरीके से जो एक तरीके से हेट चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर, जो फाउंडेशन होता है ला एक तरीके से जो सोसाइटी के अंदर नॉर्मल तरीके से उसके अपोजिट में जाके काम करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर की जाती है, एक बाउंड्री तैयार की जाती है इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा। अगर कोई उसको क्रॉस करता है तो एक तरीके से वो अलग डायरेक्शन में चीज़ें हो जाती हैं, इनके गलत काम कर रहा है। तो एक तरीके से मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से काम नहीं होता है सारे काम। एक तो कई सारी चीज़ें आप लोगों ने आज की डेट में देखी होगी, जो बड़े बड़े साहूकार लोग हैं या फिर जो ताकतवर लोग हैं पॉलिटिकली या फिर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए सिस्टम नहीं होता है नॉर्मली, ये सिस्टम होता है गरीब तबका सोसाइटी के लिए। इसीलिए अगर आप लोग जेलों में जाकर एक बार झांकोगे तो वहां पर लगभग 80% से ऊपर जो लोग हैं वो आप लोगों को गरीब तबका मिलेगा सोसाइटी का, जिनको दो टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती है। और अब यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बनाने में भी वही काम किया जा रहा है, जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं मैक्सिमम जो पब्लिक है उसको बाहर रख दिया उठाकर, जो लोग यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा एक बार। सबसे पहले बात की जा रही है एक तरीके से जो पार्टिसिपेशन है उसको खत्म किया जा रहा है। कमिटी जो है यहाँ पर जो आज की डेट में यहाँ पर जो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन मांगती है वो देखने को नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये बोली गई कमिटी जो भी यहाँ पर इसकी जो रिकमेंडेशन है जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको इंटरनेट पर जाकर वेबसाइट पर जाकर अपना पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। अब आप लोग ये देखिए कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, यहाँ पर ओनली 40% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक्टिवली इंटरनेट यूज़ करती है, यानी कि 40% लोग जो हैं अगर 100 लोग हैं तो 40 लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ओनली, बाकी के 60 लोग हैं वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं एक्टिवली।
तो इसका मतलब ये हो गया ओनली 40% लोग ही इस पर्टिकुलर चीज तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो है यहाँ पर ये इंटरनेट जो है यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रक्चरल बैरियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये, अब वुमेन के बारे में बात करते हैं, कुछ तो लोग कम यूज करते हैं, ऊपर से वुमेन इनमें से और भी कम इंटरनेट यूज करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या, आप लोगों की बहुत सारे ऐसे जो गांव से बच्चे हैं, आप लोगों की मम्मी इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट तो दूर, कई तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर फोन भी ढंग से रिसीव करना नहीं जानते आज के डेट में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कंडीशन बनती है, तो उन लोगों का पार्टिसिपेशन कहाँ होगा। अब कई सारे ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इंटरनेट को बंद कर रखा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोग बात करें, सस्पेंड कर रखा है इंटरनेट इतने लंबे समय से, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 1 साल हो गया, तो उसको रिस्टोर अब तक फुल्ली नहीं किया गया। अब वो लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, अब चलिए ये सारी चीजें हम लोग झेल भी लें। अब ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों ने जो यहाँ पर रखा है इस वेबसाइट के ऊपर, वो कंप्लीटली इंग्लिश में है। अब ये बताइए हमारी कंट्री में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश प्रॉपर वे में समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। ओनली 10% इंडियन हैं जो प्रॉपर वे में इंग्लिश को बोल पाते हैं। तो इस तरीके से ये समझिए, जो इंटरनेट भी मान लीजिए यूज करें जैसे तैसे लेकर, वो इस डॉक्यूमेंट को नहीं समझ पाएंगे, उनमें से भी बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब यह है घुमा फिरा कर, ये जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, ये लोगों को एक तरीके से पार्टिसिपेशन बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ऑल कमिटी जो होती है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, बैकग्राउंड शोर जो होते हैं, 89 रिपोर्ट, वो लो कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारे इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश में अगर सारी चीजें आप लोग इस तरीके से करोगे, वो भी आप लोग बोलते हैं हिंदी को, हम लोग को अपने कंट्री की लैंग्वेज बनाना है, सारी चीजें इंग्लिश में, इस तरीके से चलिए हम लोग ये नहीं बोल रहे कम से कम इंग्लिश में आप लोग रखते हैं, पर लेकिन ऑल्टरनेटिव कम से कम हिंदी में भी रखिए ना, जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है कम से कम वो हिंदी में पढ़ सकें क्या लिखा हुआ है। अब उन लोगों को तो आप लोगों ने सिस्टम से एकदम बाहर कर दिया, अब इसके बारे में कौन बात करेगा। तो कहने का मतलब पार्टिसिपेशन है, पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टिसिपेशन किसी का है ही नहीं है, आधी जनता आप लोगों ने वैसे ही बाहर निकाल के फेंक दी। तो कैसा लो आप लोग लेकर आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है लाइफ साइकिल ऑफ कमिटी के बारे में, बहुत सारी बातें की जा रही है। अभी COVID-19 चल रहा है, लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है और दुनियादारी की प्रॉब्लम, किसी के पास में जॉब नहीं है, किसी के बच्चों के स्कूल नहीं चल रहे हैं, इसी के साथ में घर में कई सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं, COVID-19 का डर लोगों के मन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो और अलग अलग तरीके की कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, इस कमेटी को टाइम ही नहीं दे रहे हैं आप लोग, इस कमेटी का जो टाइम है वो घटाकर आप लोगों ने बिल्कुल छोटा सा टाइम पीरियड कर दिया है। तो इसके चलते ये कमेटी जो है जट मंगनी पट बिहा वाली बात हो गई, 3-4 महीने के अंदर अंदर काम निपटाने को उसको बोला गया है। तो लोग और बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, इस टाइम पर आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्या ये सही है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, सेक्चुअल और रिलीजियस ग्रुप के बेस पर, या फिर वर्किंग क्लास, इसी के साथ में डिसेबल कम्युनिटी के बेस पर, ये सारे जो लोग हैं इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इसके अंदर, अगर आप लोग देखिए। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है, नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम लोग आप लोगों को इस कमेटी में देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया को आप लोगों ने इग्नोर कर दिया है यहाँ पर, तो उनको क्यों आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जिसका एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, पब्लिक गवर्नेंस वगैरह में, ऐसे भी लोग आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये कमेटी बना रहे हैं, ये तो वही होगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो डालेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो हटाएंगे। तो इस तरीके से ऐसी कमेटी बनाकर आप लोग कहाँ जाएंगे, तो ये चीजें भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोली गई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, तो देखिए यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में भी आप लोग एक तरीके से सोचना पड़ेगा, दलित और आदिवासी के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, वुमेन ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं और सेक्सुअल माइनॉरिटी जो हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। इनके बारे में कौन सोचेगा, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर कमिटी आप लोग बनाते हैं तो पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो हर एक जो सोसाइटी का तबका है उससे कम से कम यहाँ पर लोग होने चाहिए, ताकि सब अपनी बात रख सकें। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई औरत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वुमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उससे आप लोगों ने कमेटी बना दी और उसमें सारे लोगों को रख दिया, उसमें कोई वुमेन है नहीं, क्या सारी जो प्रॉब्लम होती है वुमेन की वो प्रॉपर वे में एक जो पर्टिकुलर पुरुष है या फिर एक मेल डोमिनेटेड जो कमेटी है वो उसको समझ पाएंगे। और वुमेन की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में प्रॉपर वे में वुमेन ही एक बात कर सकती है, डिस्कस कर सकती है और उसके सॉल्यूशन बता सकती है। अब आप लोगों ने मेल रख दिया सारी कमेटी में, तो क्या मानना है आप लोगों का, आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं हमारी कंट्री का जो सिस्टम है कि किस तरीके से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये है यहाँ पर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, तो इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर, ये सारी बातें आप लोग कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं, जो कि सही तरीका यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पर कोई विचार विमर्श ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, ऑटोनोमी की दी जा रही है नहीं दी जा रही है। कमेटी आप लोगों ने एडहॉक कमेटी बना दी, एडहॉक कमेटी होती है काम को खत्म करो जल्दी से जल्दी निपटाओ, किसी पर्टिकुलर काम को अर्जेंटली करने के लिए कमेटी बनाई और फिर काम खत्म करके रफा चक्कर कर दिया। आखिर ऐसी क्या जरूरत है, टाइम पीरियड आप लोगों ने रखा है जुलाई सेप्टेम्बर अक्टूबर, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि एक तरीके से जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, तो जिस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं कि 4 महीने मानसून का पीरियड आता है, 4 महीने में आप लोग
कमेटी को पूरा काम करने के लिए दे रहे हैं, वो भी वो काम जो पूरी कंट्री का जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रखेगा। तो इस तरीके से किस हद तक आप लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में क्या कंसल्ट कर पा रहे हो और सारे लोगों को आप लोग लेकर नहीं चल रहे हो, तो क्या रियलिटी में यहाँ पर ये काम का आप लोग करने के मूड में हो कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा चेंज करने जा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में लो कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको बेसिकली यहाँ पर बेसिकली आना चाहिए था पिक्चर में, आप लोग एडहॉक कमेटी बना रहे हैं क्योंकि ये चीज़ों को ढंग से समझता तो एक ट्रांसपेरेंसी भी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसी के साथ में कमेटी में जो एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है ठीक है, वो एक तरीके से कंसल्टेशन प्रोसीजर से कम होनी चाहिए थी कि कुछ तो पूछो पब्लिक से, कुछ तो जानो, वो चीज़ें प्रॉपर में नहीं देखने को मिल रही है। का ये समझ में नहीं आ रहा है कमेटी किसके अंडर में है। एक दिन इस वेबसाइट पर होम मिनिस्ट्री का लोगो दिखने लगा, फिर बोले कि गलती से हो गए, फिर उसको हटाया। तो कौन इसको टैकल करके चल रहा है, कौन इस वेबसाइट को लेकर चल रहा है उसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो किस तरीके से आप लोग चीजों को टैकल कर रहे हो वो कोई समझाएगा यहां पर, कोई कंसल्टेशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या ये ऑनेस्टली यहां पर काम कर रही है प्रॉपर वे में, तो ये भी अभी यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विद इन 3 मंथ आप लोगों ने इनको बोला कि यहाँ पर आप लोग अपना काम करो, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये यह कि कब बनाई जा रही है और कब हटाई जा रही है ये ढंग से आप लोग देखिए। आप लोगों ने जब पहली कमेटी बनाई गई थी मलिमत कमेटी क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम से, तो आप लोगों ने इस कमेटी के हिसाब से कंपेयर में उसको 5 गुना टाइम दिया था, यानी कि अगर इसको आप लोग 3 महीने दे रहे हैं तो उसको आप लोगों ने 15 महीने कम से कम दिए थे, यानी कि 1 साल से ज्यादा टाइम यहाँ पर दिया। अब आप लोग इसको 3 महीने दे रहे हैं तो किस हद तक ये काम कर पाएगी 3 महीने में, और जबकि सिचुएशन चारों तरफ कैसी हो रही है वो आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या इतना बड़ा चेंज यहाँ पर ये कमेटी 3 महीने में ला सकती है, क्या सारी चीजें 3 महीने में समझ सकती है। तो वही बात है कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो 2 महीने में पैदा करके और फिर से खुद भी बच्चे पैदा करने लगे, तो कितने हद तक ये सही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जो कि सही है आप लोगों को कमेटी बना दी, पर लेकिन ये सही तरीका नहीं है जिस तरीके से आप लोग ये कमेटी बना रहे हैं ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन करिए, एक प्रॉपर विजन लेकर आओ, कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर 2-4 बंदे पकड़ के बैठा दिए, बस उन्होंने कमेटी बनाई और वो आप लोगों ने इंप्लीमेंट बनाई, तो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर यहाँ पर होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें तब आप लोग समझोगे। पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए पॉलिटिकल जो प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए यहाँ पर एक तरीके से, यानी कि जो एक तरह प्रॉपर प्रोसीजर लेकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, तो उस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट करनी है। स्ट्रक्चरल इनइक्विटी आप लोग को खत्म करनी पड़ेगी कि कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग कास्ट पैट्रियार्कल जो एक तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है डिसेबिलिज्म, नेक्स्ट यहां पर कम्युनलिज्म, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। तो डीपली जो आयरनी यहाँ पर देखने को मिल रही है कमेटी के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कि कॉलोनियल टाइम पे जैसे काम किया जाता था, वो अपना रूल और रेगुलेशन ला कर रख देते हैं कि पकड़ो जेल में डालो, यहाँ पर ये सजा लगा दी वो सजा लगा दी, ऐसा ही काम आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, एक रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं और कमेटी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि प्रॉपर वे में कमेटी क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है। तो कितने हद तक ये सही है इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है ठीक है। एक बात और बता दूं, इंटरनेट वीडियो अपलोड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल से अपलोड कर रहा हूं तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आज शाम तक बोला है, देखिए आज शाम तक अगर इंटरनेट लग जाएगा तो कल से जो वीडियो है वो प्रॉपर स्पीड में अपलोड हो जाएगी। सुबह वीडियो को अपलोड करने में 2 घंटे लगभग 53 मिनट के करीब लगा मुझे ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग इसीलिए वीडियो जो लेट हो रही है, और ये देखते हैं किस टाइम तक आप लोग के पास से पहुंचती है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये आर्टिकल है ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कमिटीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आप लोग आसाम के बारे में आज के टाइम बात करेंगे, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इसके द्वारा क्या किया गया, एक प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया गया है। प्रोग्रेसिव डिसीजन क्यों बोला गया, इसको प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है, एक अच्छा डिसीजन, बढ़ता हुआ डिसीजन। जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स बोलते हैं वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, मतलब अमीरों पर ज्यादा लगता है गरीबों पर कम लगता है, जिसकी ज्यादा सैलरी उसके ऊपर ज्यादा लगेगा तो प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो अमीरों पर कम लगता है, रिग्रेसिव क्या होता है, अमीरों पर और गरीबों पर सब पे एक जैसा लगता है, उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को पता है क्या देखने को मिलती है, हमारी कंट्री में जनता का हक है इन्फॉर्मेशन को जानने का, पर लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। कमेटी बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर, फिर दिखता है कमेटी बना दी, क्यों भैया आप देखते हैं क्या कमेटी बना देते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है जनता शांत हो जाती है, उस कमेटी की रिपोर्ट को भी कई बार प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कंपेन किया था हमारी कंट्री में, वो कागज में रह गया, एग्जैक्टली जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसी को समझाने की कोशिश की गई है। अनफॉर्चुनेट जो डिनायल है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का, वो देखने को मिलेगा कि राइट टू नो के बारे में जो हम लोग बात करते हैं कि जनता को हक है जानने का, पर लेकिन रियलिटी में वो उन तक चीजें नहीं पहुंच पाती है।
हाई लेवल कमेटी चेयर की गई थी यहाँ पर गुवाहाटी जो हाई कोर्ट के द्वारा, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा, जिसमें अदर कई और मेंबर थे जैसे एडवोकेट जनरल वगैरह, दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के और भी कई सारे यहाँ पर लोग, मतलब ये आप लोग कमेटी के बारे में बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है वो बातें मैं करता हूँ। ये तो कौन कौन है वो कमेटी हो गई यहाँ पर, ये कमेटी जो थी बेसिकली ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये कमेटी जो थी, ये मैंडेट था इसका कि एक तरीके से रिकमेंडेशन देनी थी कि क्लोज 6 जो है आसाम अकॉर्ड की, जो कि डिफाइन करती है आसामीज लोगों को कि आसामीज लोग कौन होंगे अगर यहाँ पर आसाम अकॉर्ड के तहत आप लोग काम करते हो। तो ये कमेटी यहाँ पर इसके द्वारा रिपोर्ट जो थी वो यहाँ पर जो फाइनलाइज रिपोर्ट सबमिट कर दी गई मिड फरवरी 2020 में, सबमिट कर दी आसाम के चीफ मिनिस्टर को इसी के बाद में। पर लेकिन अब तक ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई, ये रिपोर्ट जो है होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गई, ठीक है, ये मार्च के महीने में होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी कमेटी को उनको लगता है कि ये रिपोर्ट कुछ गलत दे रखी है और उनको लगता है कि इनकी इमेज खराब करने वाली है, उसके ऊपर सांप नहीं बैठता है कुंडली मार का, इस तरीके से बैठ जाती है, तो उसके ऊपर बैठ गई यहाँ पर और उसको प्रस्तुत नहीं किया। अब यहाँ पर आसाम की ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है, इसके इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा रिलीज कर दी गई है रिपोर्ट 11 अगस्त को। इनके द्वारा बोला गया कि जनता का हक है रिपोर्ट के बारे में जानने की और जनता को उनको पता चलना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या है और किस तरीके से कंडीशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी यहाँ पर जो अब तक डिसीजन नहीं लिया है यहाँ पर इसको पब्लिक करने का, वो सही नहीं है, ठीक है, और ये कोई अनकॉमन फिनोमेना नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा हमेशा करती है, जब भी कोई ऐसी कमेटी बनाई जाती है उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ जाती है, अच्छा लगता है तो प्रस्तुत कर दिए, नहीं लगता तो भूल जाते हैं। वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, जो पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस के बारे में बात करती है यहाँ पर, ठीक है, तो दो साल तक यहाँ पर ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं, कमेटी बना देते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पार्लियामेंट की यहाँ पर बात करें, इट वॉज ये पार्लियामेंट में जब टेबल की गई यहाँ पर, मर्डर की बात की जा रही है यहाँ पर नैना सानी की, ठीक है, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, तो कई सारी ऐसी चीजें लगती है जिससे लगता है कि इमेज खराब हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत ही नहीं करते हैं, उसको रोक कर बैठ जाते हैं, तो कितने हद तक यहाँ पर सही है। तो इसी के बारे में यहाँ पर जो बात बोली गई है, बोला गया कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राज नारायण 1975 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीजें आप लोग बनाते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में है यहाँ पर ये, तो आप लोग उनको जनता के सामने रखिए, ठीक है, ये इस तरीके की नहीं है यहाँ पर कि आप लोग उसको एक तरीके से, अगर नेशनल इंटरेस्ट में है कि हाँ ये इस तरीके से डैमेज कर सकते हैं सिक्योरिटी को तो सही है, पर लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जनता के सामने उसको लेकर आइए, तो ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं कि आप लोग कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और आप लोग उसको छिपा कर बैठ गए। एक जज थे उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ ये बातें बोली गई, जिनका नाम था जस्टिस मैथ्यू, उनके द्वारा बोला गया भैया कंट्री के लोग हैं उनका हक है जानने का, राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए उसके बारे में और आप लोग उन्हीं से चीजें छिपा रहे हो तो किस डायरेक्शन में आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी तो गलत तरीका हो गया बिल्कुल। तो राइट टू नो यहाँ पर एक तरीके से उनका हक है, एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कंट्री में संविधान में रखा गया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर, तो अगर आप लोग फंडामेंटल राइट का इस तरीके से चीजों को छुपा रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग उनके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो, तो क्या ये सही है, तो इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कितने हद तक सही है, क्योंकि इस तरीके से चीजों को छिपाना ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये बताता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। आप लोग ये देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं या आप लोग मुझे बोलें किसी काम को करने के लिए और मैं आप लोगों से वो चीजें छिपा रहा हूं, जैसे कि मैं बोलूं कि लेक्चर जो है वो मैं टाइम पर लेकर इसलिए नहीं आ रहा हूं, वो मैं आप लोग कुछ बताऊं ना, ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा यार कुछ और काम चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, आप लोग पता नहीं कैसे कैसे एक्सपेक्टेशन लगाने लगोगे, कुछ तो ये बोलेंगे आलसी हो गए सर, काम करने का मन नहीं करते आजकल, कभी भी लेक्चर टाइम पे अपलोड नहीं करते, कुछ ये बोलेंगे कि हाँ हो सकता है कि यार कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ ये बोलेंगे हो सकता है कि बीमार हो गए, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, तो सबके अलग अलग परसेप्शन बन जाते हैं। पर लेकिन अगर मैं खुद ही आकर बता दूं कि भैया ये बात है इसलिए लेक्चर नहीं आ रहा है, तो सारे परसेप्शन खत्म हो गए एकदम, फिर हाँ ये रहेगा कि हाँ ऐसा हो गया इसलिए लेक्चर नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग बातों को छिपा रहे हैं तो जनता अलग अलग परसेप्शन लगाएगी अपने कि हाँ ऐसा हो गया होगा, पर लेकिन अगर आप लोग उसको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जरा सी देर में, फिर जनता बोलेगी भैया इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, झूठ फैलने से अगर रोकना है सोसाइटी के अंदर तो आप लोगों को वहां पर उनके सामने चीजें रखनी पड़ेंगी, तभी तो चीजें रुक पाएंगी, वरना फालतू में फेक न्यूज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर ये हो गया वहां पर ये हो रखा है, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, ये सही है या फिर गलत है, तो आप लोग यस या फिर नो में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में जो आप लोगों से बातें करनी थी। इसको मैं अभी इतना ही अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर को, क्योंकि वो काफी टाइम ले गई थी, अगर ये भी ऐसे चलता रहा तो पता नहीं किस टाइम तक आएगा, फिर इंटरनेट जैसे ही आता है देखता हूँ कल वाले जब भी टाइम लगेगा एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें आप लोग के आर्टिकल कवर हो जाएंगे। बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जितना भी रिकॉर्ड करना पड़े मैं उसको खुद से करता रहूंगा, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी लेक्चर आ रहे हैं ठीक है उनको प्रॉपर देखिए, आप लोग अपना जो सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को टैकल करके चलते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कैसे लेकर चलना है, ठीक है,
तो बस आप लोगों का जो फिलहाल क्वेश्चन है वो भी मैंने दे दिया था मॉर्निंग में, जो बचा हुआ है आप लोगों का मैथ बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, तो जल्दी ही यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दूंगा एक दो दिन की जो भी बची हुई है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली चीज़ें वही हैं कि इंटरनेट रहता है तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो ये जब जैसे ही लगता है यहाँ पर ब्रॉडबैंड लगता है, आज बोला है वैसे फोन भी आता है कि सर आ रहे हैं, पर लेकिन बारिश की वजह से आप लोगों को पता है सुबह से बारिश कितनी हो रही है तो उसकी वजह से फिर रुक गया। तो देखता हूँ शाम तक आता है तो इंटरनेट लगेगा, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं लेक्चर को, जो आर्टिकल बचे हुए हैं उनको कल या फिर वरना संडे को तो आप लोग ही कवर हो ही जाते हैं, ठीक है। कल कुछ कोशिश करूंगा वैसे, संडे में कुछ और कवर कर लेंगे अगर ऐसी बात रही तो, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।